हेलो गाइस, मेरा नाम आमना है और आज मैं आपको एक यूनिक शॉप के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जो एलिस आर्ट है, ये दुकान का नाम है और इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9824818013। और ये जो उसका कार्ड, आप कभी भी इस नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी चीज़ें का शौक है तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आपको जो सारी चीज़ें चाहिए, अगर आप ये सारी चीज़ें चाहिए और आप यहाँ नहीं लेने आ सकते तो फ़ोन पर भी आप बात कर ये सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है कांच की सारी बोतलें, ये बहुत पुरानी बोतलें हैं, आई थिंक सो 100 साल पुरानी होगी ये। क्या बात है। ये सारे फानस और ये सारी चीज़ें हैं जो दिए पटकाने के लिए काम आते थे पहले। अगर आप उस साइड नजर करेंगे तो उस साइड सारी मूर्ति है भगवान की और वो सारी। अच्छा, ओरिजिनल पीतल का। हाँ, पीतल का घोड़ा है ये सारी, उसमें नक्शी की हुई है अगर आप गौर से देखें तो। हाँ, ये कितने साल पुरानी हो सकती है? ऑलमोस्ट आई थिंक सो 100-200 साल पुरानी हो सकती है ये। ये सारे अलग अलग भगवान की मूर्ति है, सारी अलग अलग, और ये प्योर पीतल की ही आती है। तो ये जो पहले के ज़माने में आता था खड़ी को देखने के लिए, तो ये उस हाथी है, इसमें पूरा नक्शी किए हुए है। ये गणेश जी की मूर्ति है, ये भी प्योर पीतल है। हाँ, सब पीतल का ही। इसमें क्या बात है, ये हाथी है जहाँ पर ये पुराने जो राजा होते थे वो युद्ध करने जाते थे, तो वो उसमें दिखाया गया है। ये हाथी है और एक टिपाई है ये, इसके ऊपर आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हो। ये सारी घड़ियाल है, बहुत पुरानी ज़माने की घड़ियाल है, और ये अलार्म घड़ियाल है, तो जो पुराने लोग होते थे वो उसमें अलार्म रखते थे। हिरन है और ये बहुत पुराना आप कह सकते हो। और ये जो है वो शिप है, ये हैदराबाद का चार मीनार है और ये राजा रानी का लकड़ी का है, शीशम का, शीशम की लकड़ी का है। ये है बुद्ध भगवान और ये जो है वो आप पोट कह सकते हो, जिसके अंदर आप फूल और ये सब रखते हो सोपिश के लिए। ये दी है जिसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि दी आपको इसके अंदर रखने हैं या ऐसा कुछ भी डेकोरेशन। ये ताले जो बहुत पुराने हैं और ये छोटे बड़े सब मिल जाएगी। ये 350 पूरे तालों का कनेक्शन है पूरा। और ये है गेंडे की थाल, जो बहुत पुराने जो राजा महाराजा होते थे वो युद्ध करने जाते थे, हाँ, तब उसके रक्षण के लिए होता था। ये सारी जो ये ओरिजिनल तलवारें जी, हाँ, उस जमाने के हैं। चांदी का ये चांदी का पूरी नक्शी की हुई है इसमें। राजा महाराजाओं का जी हाँ तलवार है, पुराने जमाने का, लगभग 400-500 साल पुराना तलवार है जी हाँ। ये भी तलवार है, ये ब्रिटिश का, ये ब्रिटिश जमाने का तलवार है, ये देखने में आप देख सकते हो। सही है। इसमें पूरा नक्शी किया हुआ है अंदर भी। और ये गन है, पुराने जमाने के गन जी हाँ, जहाँ ब्रिटिश और वो सारे जो लोग होते थे वो जब उनके पास ये होता था। हाँ, उनके पास ये होता था। ये सिंबल है जी, बहुत पुराना है। हाँ, ये 100-200 साल पुराना होगा। अलग अलग स्टेट के ये जो सिंबल है, स्टेट का वो जी हाँ। ओके, जब राजा महाराजा के जो समय के, हाँ, जो सिंबल होते थे वो है। हाँ, इसमें कौन सा है, बड़ो वंश वगैल है, और कौन सा है बड़ो वंश वगैल का ज्यादा है? ये रणबोक राठौड़ का है। अच्छा, ये हाँ, और ये भी है आपके पास, बहुत सारे है ऐसे कलेक्शन। कश्मीरी लकड़ी है, कश्मीरी लकड़ी में बना हुआ ये पार्टीशन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और पहले के ज़माने में इसे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे अपने घरों में, आज ये सब दुर्लभ हो गया है, आज ये देखने को भी नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, ऐसे हज़ारों कलेक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, जो कि अब्दुल भाई आपको दिखा देंगे। तो ये ताला है, किसी ज़माने में इसका बहुत डिमांड होता था, महत्व होता था, लेकिन अभी ये ताले इस तरीके से बनते नहीं हैं। देख लीजिए, ये ताला जो है बहुत ही पुराना है, लगभग 200-300 साल पुराना ताला है, और उस ज़माने में भी टेक्नोलॉजी का डिमांड था। देखिए, इसमें भी देखिए टेक्नोलॉजी, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये गजब का ताला है और ये दो चाबियों से खुलता था। उस टाइम पे इसमें पिन नंबर हुआ करता था इस ताले को खोलने के लिए। ये बिजली काम वाला है। ओहो, क्या तलवार है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ओरिजिनल तलवार, ओरिजिनल तलवार, महाराणा प्रताप के ज़माने का ओरिजिनल तलवार आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये अगर आप शौक रखते हैं इन सभी चीज़ों का तो आप अब्दुल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये सब ओरिजिनल तलवार है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो म्यान, इसको म्यान बोलते हैं, ये म्यान पूरा चांदी का बना हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने का तलवार, इस पर पूरी कारीगरी की गई है और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से उनका हैंडल था पकड़ने के। देख सकते हैं राजा महाराजा के ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होता था, तब इस तरीके से सर पे लोग सेफ्टी के लिए पहनते थे। और देखिए यहाँ पे ये नोज को पूरी तरह से ढका हुआ है और हाफ माउथ भी ढका हुआ है और प्योर लोहे का बना हुआ है और इस पे कुछ भी असर नहीं करेगा, इतना ज़बरदस्त और इतना ठोस है, मजबूत है, टिकाऊ है। ऐसे कलेक्शन भी अब्दुल भाई के पास में आज के डेट में पड़ा हुआ है। दोस्तों आप अब्दुल भाई से, आपके पास अगर पुराने कलेक्शन पड़े हुए हैं बेचना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये पुराने कलेक्शन को संजो के रखते हैं और पुराने कलेक्शन को लेते हैं और देते हैं।